हेलो, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस प्लैनेट बाय अंजलि 2.0। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं उस चैप्टर को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें मैंने आपको पहले के वीडियोस में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं उसको आपको बताया था, उनमें होने वाले ऐतिहासिक परिवर्तन को बताया था और बाद में किस तरह से तृतीयक क्षेत्र जो कि सेवा क्षेत्र था उस क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा हुआ, उस क्षेत्र को और ज़्यादा महत्व मिलने लगा, इस सारी बातों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं तीनों क्षेत्रों में किस तरह से रोजगार के अवसरों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तकनीकी और संस्थागत उपाय की, तो तकनीकी का प्रयोग करके बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि जो सुविधाओं को, कौन सी सुविधाएं, सबसे पहले अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो उसमें कौन सी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि सिंचाई। सिंचाई के बारे में आप लोग जानते हैं कि पहले तो मौसम पर किसान जो थे वो निर्भर रहते थे, लेकिन उसके बाद नहरों का प्रयोग किया जाने लगा, कुआं बना के उससे सिंचाई की जाने लगी, फिर ट्यूबवेल वगैरह का यूज़ होने लगा और अब तो ट्यूबवेल के द्वारा खाली पानी को इस तरह से नहीं पहुंचाया जाता खेत में कि पाइप लगा दिया, अब तो फव्वारे की तरह से पानी को पूरे खेत में थोड़ा रुक रुक के सिंचाई की जाती है ताकि किसी तरह से किसी भी तरह से सिंचाई में कमी ना रह जाए। तो ये सिंचाई का जो नया नया तरीका है ये किस तरह से आया, ये तकनीक के द्वारा आया। फिर दूसरी सुविधा कौन सी हुई, संकर बीज की उपलब्धता। अब ये आप कहेंगे संकर बीज क्या होता है, संकर बीज अगर आपको इंग्लिश में मैं बताऊँ तो हाइब्रिड सीड जिसे बोला जाता है, अब शायद कुछ समझ में आ गया हो। खैर, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि तकनीक का प्रयोग करके उन सीड्स को, यानी कि उन दो तरह की किस्म के बीजों को एक में मिलाकर तीसरे तरह का बीज उत्पन्न किया जाता है जिसमें दोनों पहले के बीजों की गुणवत्ता शामिल होती है, मतलब एक बीज में दो बीजों की गुणवत्ता पाई जाती है जिससे उपज को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए संकर बीज का प्रयोग किया जाता है तो उसकी उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। कृषि योग्य जो भूमि है उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कृषि में आधुनिक तकनीक का के प्रयोग के लिए किसानों को जागरूक किया जा सकता है। इस तरह से कृषि में जो मानव बल है उसकी आवश्यकता को भी बढ़ा सकती है तकनीक, और इस तकनीक का प्रयोग करने वाले लोग ही होंगे तो इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्राथमिक जो क्षेत्र है वो भी काफ़ी फायदा उठा पाएगा। अब अगर हम दूसरी बात करें संस्थागत उपाय की, तो संस्थागत में जैसे कि परिवहन हो गया या भंडारण हो गया और बाजार, ये संस्थागत में आते हैं, तो इनका भी अगर बहुत अच्छे से उपाय किया जाए तो बहुत से ऐसे रोजगार के अवसर मिलते हैं जिससे लोगों को कृषि से जुड़े होते हुए भी और भी तरीके मिल जाते हैं जो वो रोजगार कर सकते हैं। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें तो है संबद्ध कृषि का संवर्धन। संबद्ध कृषि का संवर्धन उस बात से समझिए कि कृषि से जुड़े इतने लोग हैं कि लगभग 60% तक लोग जो होते हैं वो कृषि से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए उनके रोजगार के साधनों को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब अगला टॉपिक है संबद्ध कृषि में संवर्धन। संबद्ध कृषि क्या होती है, संबद्ध कृषि वो होती है जब किसान अपने कृषि कार्य से छूट चुके होते हैं या कृषि कार्य नहीं कर रहे होते हैं, जिस समय वो फ्री होते हैं उस समय उन्हें रोजगार में संलग्न करना, ये कहलाता है संबद्ध कृषि। अब वो क्या काम कर सकते हैं, वो कृषि के विविध रूपों का ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पशुपालन है और बागवानी है, या सिल्क के लिए जो पशुपालन किया जाता है वो है, शहद के लिए मधुमक्खी पालन है, इस तरह के कामों को करके किसान अपने कृषि कार्य में संवर्धन कर सकते हैं, इसे संबद्ध कृषि कहा जाता है। अगला है लघु उद्योगों और बैंक ऋण में की ओर ध्यान केंद्रित करना। अब ये देखें कि बैंक क्या होता है, बैंक जैसे जो किसान होते हैं वो अपने कृषि कार्य के लिए दूसरों से, अपने किसी रिश्तेदार से या अपने किसी
मित्र से या किसी जानने वाले से, साहूकारों से ऋण लेते हैं और उस ऋण के बहुत ज़्यादा ब्याज को वापस करते करते उनकी जितनी भी आय होती है वो बहुत ज़्यादा चली जाती है और वो निर्धनता की जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए सरकार वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना करती है जिसमें सस्ती दरों पर किसानों को ये ऋण उपलब्ध कराया जा सके। उसके अलावा है लघु उद्योग। लघु उद्योग क्या होते हैं? जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं या कम पूंजी में घर पर ही जो किए जा सकते हैं वो लघु उद्योग कहलाते हैं। इसके लिए भी बैंकों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ऋण बैंकों से मिलता है। उसके अलावा ये जो होते हैं ये गांव में और छोटे जो कस्बे होते हैं, कस्बे कौन सी जगह होती है जो ना तो शहर हो और ना तो गांव हो, ऐसी जगहों को कस्बे कहा जाता है। ऐसी जगहों पर लघु उद्योग की स्थापना से ना केवल कृषि से जुड़े हुए लोग बल्कि और लोगों को भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। तो ये रोजगार के साधन हो गए। अगला है ग्रामीण अवसंरचना में सुधार। अब ग्रामीण अवसंरचना क्या है? ग्रामीण जो सुविधाएं होती हैं, कौन सी सुविधाएं? जैसे कि सड़क है, परिवहन है, बैंकिंग है, गोदाम है और बाज़ार है, ये इनकी कमी पाई जाती है गाँव में। तो इसको अगर और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जाए तो कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में सुधार। अब शिक्षा और स्वास्थ्य में किस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं देकर किसानों को स्वस्थ रखा जा सकता है और इससे लोगों को भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो ये सुविधाएं देंगे स्वास्थ्य विभाग तो उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इसी तरह से कृषि में और ज़्यादा वृद्धि करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा से जुड़े रहने पर लोगों को रोजगार मिलेगा कि बच्चों को पढ़ाने का काम जो करेंगे उन्हें रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का में सुधार किया जा सकता है। और तीसरा है पर्यटन। अब पर्यटन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो योजना आयोग ने पहले से ही ये अध्ययन कर रखा है कि अगर पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए किसी भी राज्य या किसी भी प्रदेश में तो लगभग 35 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार इससे हासिल होगा और इससे देश की जो आय है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा रोज़गार को और ज़्यादा विकसित किया जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लोगों को और ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराए जा सकते हैं और लोग इससे निर्धनता से भी बचेंगे और बेरोजगारी से भी बचेंगे। तो इस तरह से ये मैंने आप लोगों को रोजगार के विकास के उपाय बता दिए। आई थिंक आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। सभी लोग लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि उनको ये वीडियो कैसा लगा और उन्हें कोई और जानकारी अगर चाहिए तो भी वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या किसी को समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछिएगा। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि इस तरह से आपको आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे और पुराने वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। थैंक यू।